Hey guys, it's Janet. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो गाइस हमने मोस्टली पाकिस्तान की सारी सिटीज और सारा फूड वगैरह देख लिया है, पर हमें ये नहीं पता कि उनके शॉपिंग मॉल्स कैसे हैं। Yes. तो एक वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं, जिसमें दिखाएंगे 6 ब्यूटीफुल शॉपिंग मॉल्स ऑफ पाकिस्तान। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन हम देखना चाहते थे, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो इवेंचुअली। हमें जानना तो यही है ना कि वहाँ क्या चल रहा है। यस हाँ जनरल जी, यस जी, आई एम रेडी। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, अगर आप फॉलो नहीं करें तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। एंड आप जन से सब लोग हाथ जोड़ के अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं जी अली टीवी। दोस्तों पाकिस्तान में लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट्स और बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब पाकिस्तानी लोग ज्यादातर शॉपिंग करने के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स का रुख करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान के 6 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें जी अली टीवी को और साथ ही घंटी को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, गीगा मॉल। दोस्तों गीगा मॉल पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है। ये इस्लामाबाद के डिफेंस फेज 2 में वाके है। इस मॉल की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। इस मॉल को टाइटैनिक शिप की तरह बनाया गया है। गीगा मॉल में नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स की 150 से ज्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं। दोस्तों ये मॉल इतना बड़ा है कि इसमें कस्टमर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए ट्रेन चलाई गई है। टॉप फ्लोर पर लजीज खानों के रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ झूले भी लगाए गए हैं। इस मॉल में लोग शॉपिंग करने के अलावा सैर व तफरीह करने के लिए भी आते हैं। नंबर 5, डॉलमेन मॉल। दोस्तों डॉलमेन मॉल कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाकई है। इस मॉल की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग्स बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। डॉलमेन मॉल 10 लाख स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। इस मॉल में इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसा कि मैंगो, नेक्स्ट, नाइकी, मदर केयर की आउटलेट्स भी मौजूद हैं। डॉलमेन मॉल में क्लोथिंग के अलावा बच्चों के लिए प्ले एरिया और खाने के लिए इंटरनेशनल फेमस रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं। पाकिस्तान की फेमस शोबिज सेलिब्रिटीज भी यहां शॉपिंग करने आती हैं। डॉलमेन मॉल में इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर्स, बैंक्स, ऑफिसेज और फार्मेसीज भी मौजूद हैं। नंबर 4, पैकेजेस मॉल। दोस्तों पैकेजेस मॉल लाहौर में वॉल्टन रोड पर मौजूद है। ये लाहौर का दूसरा बड़ा मॉल है। ये मस्त लग रहा है, ये पंजाब का मॉल लग रहा है। बात की जा सकती है, हमारे यहाँ भी है। पैकेजेस मॉल में 200 प्लस इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स की आउटलेट्स मौजूद हैं और मूवीज के लिए सिनेपैक सिनेमा भी बनाया गया है। इसके अलावा पैकेजेस मॉल में 5-स्टार रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए मौजूद है। पैकेजेस मॉल फुली एयर कंडीशन मॉल है। इस मॉल में अगर आप घंटों भी घूमते रहें तब भी आप इसे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर आप भी कभी पैकेजेस मॉल गए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, सेंटोरस मॉल। दोस्तों सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में वाक़े है। इस खूबसूरत मॉल के 36 फ्लोर्स हैं। ये पाकिस्तान की खूबसूरत बिल्डिंग्स में से एक है। सेंटोरस मॉल की ट्रिपल बिल्डिंग्स इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ इसे दूसरी बिल्डिंग से मुख्तलिफ बनाती हैं। इसकी पहली 5 स्टोरीज में शॉपिंग मॉल बनाया गया है। दोस्तों सेंटोरस मॉल में बहुत ज्यादा रश होता है और इस रश को कम करने के लिए यहाँ 300 रुपीज की टिकट लगा दी गई है, ताकि जो लोग सिर्फ शॉपिंग करने आते हैं वो ही अंदर आ सकें और ये पैसे आपकी शॉपिंग में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। इसके ऊपर वाले फ्लोर्स में बैंक्स और ऑफिसेज बनाए गए हैं। शॉपिंग मॉल में 300 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स की आउटलेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट और कॉफी शॉप्स भी बनाई गई हैं। दोस्तों सेंटोरस मॉल को बनाने में 350 करोड़ रुपए खर्च हुए और अब पूरे पाकिस्तान से लोग यहां विजिट करने के लिए आते हैं। नंबर 2, इम्पोरियम मॉल। दोस्तों इम्पोरियम मॉल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये लाहौर के इलाके जौहर टाउन फेज 2 में मौजूद है। इम्पोरियम मॉल पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान मियाँ मंशा की मलकियत है। ये मॉल 18 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इम्पोरियम मॉल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन भी चलाई गई है। यहाँ पर 200 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स की आउटलेट्स बनाई गई हैं। यहाँ एक दिन में 44,000 से ज्यादा लोग शॉपिंग करने आते हैं। इम्पोरियम मॉल में 13 फ्लोर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिनेमा बनाया गया है, जिसमें 9 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स लगाई गई हैं। और तो और फूड कोर्ट में 3,000 लोगों के बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी बनाया गया है। इम्पोरियम मॉल को बनाने में 25 बिलियन रुपए की लागत आई। इसमें 5-स्टार होटल भी बनाया गया है, जिसमें 110 लग्जरी रूम्स मौजूद हैं। नंबर 1, लकी वन मॉल।
दोस्तों लकी वन मॉल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है। ये कराची के इलाके राशिद मिनहास रोड पर मौजूद है। लकी वन मॉल को बनाने में 11 बिलियन रुपए की लागत आई। इसे 6 मई 2017 में ओपन किया गया था। इस मॉल में 28 फ्लोर्स मौजूद हैं। लकी वन मॉल 34 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है, जो कि एम्पोरियम मॉल से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस मॉल में अगर आप पूरा दिन भी घूमते रहें तब भी आप हर जगह विजिट नहीं कर सकते। यहाँ पर 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स की आउटलेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए प्लेलैंड और थीम पार्क भी बनाए गए हैं। कराची की फिल्म इंडस्ट्री के फेमस लोग भी यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और अगर आपने हमारे चैनल जीएलई टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी को लाजमी प्रेस करें ताकि आप हमारी हर आने वाली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देख सकें। जीशान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बट ये देख के बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स थे एंड काफ़ी बड़े बनाए गए हैं। सिमिलैरिटीज ही मोस्टली हमें दिखी इंडियन मॉल्स में एंड पाकिस्तानी मॉल्स में। और ये बात मुझे काफ़ी आई थिंक ये फेयर भी है बिकॉज जब भी हम लोग अवॉइड करते हैं पर्सनली मॉल जाना ना, पर्सनली हम बहुत अवॉइड करते हैं क्योंकि वीकेंड्स पे तो हम बिल्कुल नहीं जाते बिकॉज रश इज टू मच। एंड अगर हमें जाना भी होता है तो हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं उस दिन और जल्दी जल्दी जाके वापस आ जाते हैं सो दैट वी डोंट यू नो गेट टू एनकाउंटर सो मच रश। क्योंकि मुझे रश में शॉपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग तो तफरी मारने ही आए होते हैं। हाँ, तो इसलिए फीस लगाने वाला सही है। बट वो तुम्हारा एडजस्ट भी कर ही दिया ना, मतलब कुछ खरीदा नहीं तो कॉफी पी के तो जाना पड़ेगा। हम तो पी के जाते हैं। गुड आइडिया, अच्छा आइडिया लगा मुझे। बट काफ़ी अच्छे मॉल्स थे, कुछ कुछ इतने सुंदर तरीके से बने हुए थे। जैसे वो 3 बिल्डिंग्स थे, सेंटोरस मॉल था जो That was really nice and Titanic की तरह जो बना हुआ था, that was also very innovative I feel. और I think इतने huge भी हैं ऊपर 36 floors हैं उसमें, मतलब ऊपर चाहे चलो offices हैं जो भी वगैरह। But it was so good to see कि इतने architecturally developed चीजें हैं। अच्छा तो अच्छा लगा देखने में, बहुत मजा आया वीडियो देखने में। So guys, this is our reaction. We really hope that you liked it. And if you did, this video को like कर दो, leave down your lovely comments and don't forget to subscribe, guys. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.